तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अभी मैं मेगा मार्वल की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को जिन्होंने मेगा मार्वल की स्टोरी नहीं सुनी थी यार, जाके वो पिछला पार्ट्स देख लें ताकि उन्हें स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। और रही बात मेरे रेगुलर ऑडियंस की, तो उन्हें मैं फिर भी रिफ्रेश कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कल नहीं, मैंने परसों डाला था ना मैं क्यों मार्वल स्टोरियाँ। तो आप लोगों को याद ही होगा कि आज दिन गायब होता है और महक की मोम को, मतलब मार्वल की मोम को महक बता देती है कि उसने मार्वल से शादी कर लिया। तो अब उसके बाद कई सीन चल रहा होता है जिससे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि मतलब महक ने बोल दिया होता है, मतलब वो मार्वी की मोम को समझा रही होती हैं बट मार्वी की मोम समझ नहीं रही होती हैं किसी बात को। और वो कहती हैं महक से कि मतलब कि मैं कहती है कि मैं चाहूँ तो मार्वी को लेके जा सकती हूँ और ये आपको भी पता है मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो मार्वी की मोम कहती हैं कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे लेके जाती हो मार्वी को, और एक बात और, अब तो मैं शादी कराऊंगी, ये तो मेरी जिद है और शादी में तो तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी। तो मार्वी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो महक मार्वी की तरफ देखती है और कहती है रो क्यों रही हो तुम, मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें, और ऐसे कहती है। और फिर बोलती कि मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है महक मार्वी की मोम को बिना कुछ बोले। तो ऐसा बोल के महक गुस्से में से बाहर आ जाती है और सब उसको देख रहे होते हैं, मतलब कि रूम में क्या हो रहा होता है, क्या बातें होती हैं। तो महक बहुत ज़्यादा गुस्से से आती है और फिर शेरिस के पास आके बोलती है कि शेरिस अभी तो मैं घर जा रही हूँ मॉम के साथ, तुम मार्वी को एक मिनट में कितना मत छोड़ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ गलत ना करे, तो तुम उसके पास हर एक मिनट रहना और तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है शेरिस। तो शेरिस कहती है हाँ मैं ख्याल रखूँगी, मैं एकदम बेफिक्र रहो, मैं इसके पास रहूँगी, आज मैं यहीं रुकूँगी। तो मैं कहती है ठीक है अपना और उसका ख्याल रखना, और ऐसा कह के अपनी मोम के पास आती है। तो उसकी मोम कहती है क्या हो गया बेटे इतना ज़्यादा गुस्से में, क्या बात हुई, कोई बात हुई क्या। तो मैं कहती है मोम घर चलें, बस यहाँ पे एक मिनट और नहीं रुकना, यहाँ से चलें। तो महक की मोम कहती है क्या हुआ। तो मैं कहती है कि आप घर चलें, मैं सब बताती हूँ। तो महक की मोम कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। उसके बाद महक की मोम निकलने लगती है। तो मैं कहती है मायरू चलो जल्दी से तुम भी। तो मैं रुकी थी हाँ बस मैं आ रही हूँ शेरिस से मिल लूँ। फिर उसके बाद शेरिस से मिलती है और चली आती है, फिर से मतलब वो लोग निकल जाते हैं। तो फिर महक की पिक्स लेते हैं, ले रहे होते हैं कुछ लोग, तो मतलब महक नोट नहीं करती है और फिर मायरू नोट करती है, बट उसे लगता है कि होंगे कोई, क्या फ़र्क पड़ता है पिक्स लेना, तो आम बात है। तो इसे बाहर चले जाते हैं। तो मतलब कि मायरू कार में होती है और वो कुछ नहीं बोल रहे होते, मतलब कुछ भी नहीं, महक कार में होती है और वो कुछ नहीं बोल रही होती है। तो महक की मोम बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि क्या बात होगी, मतलब महक अचानक से ऐसे चुप चुप क्यों है, आखिर बात क्या होगी, महक बोल क्यों नहीं रही है कुछ। तो माहरू को इशारा करती है महक की मोम की, माहरू क्या बात हो गई जो महक नहीं बोल रहा। तो माहरू कहती है आंटी मुझे नहीं पता, पहले मार्वी की मोम आई, मार्वी को लेके गई, उसके बाद महक उनके पीछे पीछे गए, उसके बाद मुझे नहीं पता कि इन लोगों में बात क्या हुई, किस बात को लेके इन लोगों में, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो महक की मोम बहुत ज़्यादा टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर बात क्या हो गई। अभी अभी तो महक की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है और वो इतना ज़्यादा चुप है, इतना ज़्यादा खामोश है, आखिर बात क्या हो गई। सारे रास्ते खामोश रहती है, फिर महक घर पहुंचती है। तो घर पहुंचते ही सीधा अपने रूम में चली जाती है और अपना रूम अंदर से लॉक कर लेती है। तो मैं रूम और फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो महक बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि अब क्या करूं, ऐसा मैं करूं क्या। तो फिर महक को एक आइडिया आता है, तो महक जल्दी से फ़ोन करती है मार्वी को। तो मार्वी को फ़ोन करती है, वो 5-6 बार फ़ोन करती है बट मार्वी पिक कर नहीं रही होती है। तो फिर वो थक हार के शेरिस को फ़ोन करती है, तो शेरिस फ़ोन उठा लेती है। तो मैं कहती है कि और शेरिस मार्वी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, सब ठीक तो है। तो शेरिस बताती है कि नहीं महक ठीक नहीं है, उस मार्वी की मोम ने मार्वी का फ़ोन छीन लिया
और अभी मारवी मेरे ही सामने बैठी है और बहुत सैड है। हम दोनों रूम में बैठे हैं, हम बाहर नहीं बैठे। मैं इसलिए मैंने मारवी को रूम में लाया है ताकि सबके साथ मतलब सबके पास ना बैठे, उसे कोई खुशी है ना, इसलिए मैं रूम में लेके आ गई इसको। तो मैं कहती अच्छा किया तुमने, ठीक है मुझे फ़ोन दो, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शेरिस कहती है हाँ ठीक है, बट जल्दी कर लेना इससे पहले कि आंटी आ जाए और फिर ऐसा ना हो कि मुझे भी उससे दूर करने लगे। तो मैं कहती अच्छा ठीक है जल्दी से फ़ोन दो। तो फिर मारवी फ़ोन लेती है और हेलो कहती है, काफ़ी रोती आवाज़ में वो हेलो बोलती है। तो मैं कहती है कि मारवी तुम रो क्यों रही हो यार, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें, तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैं हूँ ना, मैं जब कहा कि तुम्हें मैं हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर भी तुम रोए जा रहे हो। अरे मैं बोल रही हूँ कि टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सब संभालूंगी, तो फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो यार। तो मारवी बोलती है कि क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कहती है बस 2 दिन रुको, 2 दिन के बाद खाला खुद तुम्हें मेरे हवाले करके जाएंगी। तो मारवी कहती है वो कैसे, मतलब आप क्या बोले जा रही हो, मोम का तो पता ही है आपको ना, इस रिश्ते के लिए वो कभी नहीं मानेंगी। तो मैं कहती है कि हाँ मुझे पता है इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, लेकिन ये भी पता है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जहाँ वो खुश ना रहे। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, मैंने बोला है तो मैंने बोल दिया है कि 2 दिन में खाला खुद तुम्हें मेरे पास छोड़ के जाएंगी, ठीक है। वो मारवी कहती है आप क्या क्या रहे हैं, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मतलब कैसे होगा ये सब। तो मैं कहती है कि देखो खाला वैसे भी मुझे पसंद करती तो ऐसा नहीं कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, मुझे सब अच्छे से जानते हैं और वैसे भी मतलब कि उन्हें पता है। और वैसे भी जब देखो क्या होता है ना कि जब पेरेंट्स को पता चलता है कि हम किसी को प्यार करते हैं ना तो वो लोग ऐसे ही कहते हैं, बट जब उन्हें समझ में आ जाता है ना कि हाँ हमारे बच्चे मतलब उसी के साथ खुश रहेंगे जिससे वो प्यार करते हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं। और तुम टेंशन मत लो, हाला समझ जाएंगी और मेरे ऊपर भरोसा है ना, मैं कर लूँगी ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो तभी महक का दरवाज़ा नॉक होता और मैं कहती हूँ चलो ठीक है मारवी अभी तुम सो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है, खाना खा लेना टाइम से और प्लीज़ रोना मत, बहुत ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फ़ोन करूँगी। तो ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देती है और फिर बोलती कि कौन है अंदर आ जाओ। तो मायरू होती है, मतलब कि जो उसने दरवाज़ा नॉक किया होता है वो मायरू होती है, मायरू आ गई है ना महक के घर पर रहने के लिए। तो मायरू अंदर आती है और पूछती है कि कैसे हो अब तुम महक। क्या होता है कि मतलब मायरू आके पूछती है कि महक कैसी हो आप, ठीक हो। तो मैं कहती कि हाँ यार ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तो मायरू कहती है काफ़ी गुस्से में आई थी यार, तो मुझे लगा क्या हो गया मतलब, और आंटी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या हो गया। और तो मुखी गुस्से में सीधा फिर रूम में चली गई और आंटी बेचारी परेशान होकर बैठी हैं मुँह बना के। तो मैं कहती हूँ कि यार मायरू प्रॉब्लम हो गई ना। तो मायरू कहती क्या हुआ बताओ, अगर तुम शेयर करना चाहो तो कर सकती हो मुझसे। तो मैं कहती हूँ ऑफकोर्स करना चाहती हूँ यार, तुम्हें पता है मतलब मेरी खाला को पता है कि मैं और मारवी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और ये भी मैंने बता दिया कि हम दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि वो मैं मारवी की शादी अदल से करा के रहेंगी कुछ भी हो जाए, ये उनकी ज़िद है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो मेरी खाला है, मैं उनसे बदतमीजी भी नहीं कर सकती हूँ ना, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल सकती हूँ ना, उन्हें के साथ कुछ ऐसा वैसा कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फंसी पड़ी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, मेरा तो सिर दुख रहा है सोच सोच के। तो मायरू कहती है कि यार रिलैक्स हो जाओ, अगर इतनी ज़्यादा टेंशन लोगी तो सिर्फ बीमार होगी और कुछ नहीं होगा, तुम अगर रिलैक्स होकर सोचोगी तो कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा, और वैसे भी टेंशन मत लो यार, वो तुमसे प्यार करती है तो मुझसे, तो जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहो तो फिर तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो मैं कहती है कि हाँ हमें पता है कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन जब लड़ाई घर वालों से होना तो फिर जीतने पर भी ना खुशी मिलती है और ना ही हारने पर खुशी मिलती है। तो मारवी कहती है, मारू कहती है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा। तो मैं कहती अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मॉम से मिल लेते हैं, आई नो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और कहीं मेरे चक्कर में बीमार ना हो जाए। तो मारू कहती है हाँ यार मैं भी ये इंसिस्ट करने आई थी कि आप एक बार आंटी से मिल लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपको लेके। तो मैं कहती ठीक है चलो नीचे चलते हैं।
तो दोनों नीचे आ जाते हैं और फिर महक अपनी मोम के रूम में जाती है। तो महक को देखते हैं उसकी मोम मुँह बना के बोलती है, मतलब सैड होती है, और कहती है महक बेटा आप ठीक तो हो ना। तो महक के मतलब महक की मोम कहती है कि बेटा तुम ठीक हो, इतनी ज़्यादा गुस्से में आई थी, तुम्हें किसी ने कुछ कहा था, कोई बात हुई मुझे बताओ ना, मेरे टेंशन से ऐसे सिर में दर्द हुआ पड़ा है, इतनी ज़्यादा टेंशन में हो कि आखिर बात क्या हुई है, तुम ठीक हो ना। तो महक आती है और अपनी मोम के फॉरहेड पे किस करती है और कहती है अम्मी प्लीज़ आप टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं बताती हूँ सब। तो फिर मायरू कहती है कि मैं बताती हूँ आंटी क्या हुआ था, फिर मायरू सब बता देती है। तो महक की मोम कहती है कि अब क्या करोगे महक, तुम देखो बेटा वो तुम्हारी खाला है। तो मैं कहती है कि हाँ अम्मी मुझे पता है, आपने मेरी तरबियत इतनी अच्छे से की है कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती, मुझे पता है वो मेरी खाला है और मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, बट आप टेंशन ना लें, मारवी तो हमारे ही घर में आएगी और वो भी खाला की इजाज़त के साथ, वो भी इज्जत से आएगी वो हमारे घर में। वो मैं के मोम कहती हैं कि बेटा मैं तुम पे शक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ना तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा है कि तुम कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती हो। तो मैं कहती हूँ कि मोम फिर आप बेफिक्र रहें, और वैसे भी आपने कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, और मायरू तुमने कुछ खाया नहीं ना। तो मायरू कहती हाँ यार मैंने भी कुछ नहीं खाया, चलो ना खाते हैं भूख लगी है। तो फिर तीनों डिनर करते हैं। तो फिर महक पहले ही बाइट लेती है कि उसे याद आता है कि मारवी ने कुछ खाया होगा कि नहीं, तो महक खाना बंद कर देती है। तो महक की मॉम कहती है क्या हुआ महक, सोच रहे हो ना मारवी ने कुछ खाया होगा कि नहीं। तो महक सैड होते हुए कहती है हाँ मैं मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। तो महक कहती है कि तुम पहले, महक की मॉम कहती है कि तुम पहले खा लो मारवी का, पूछ लेना वो उस खाई होगी, और नहीं खाई होगी तो तुम जिद करके खिला देना, पर प्लीज़ तुम खा लो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें दवाई भी खाने हैं। तो महक कहती है ठीक है मम्मी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद महक खा लेती है अपनी मॉम के फोर्स करने पर, मतलब कि फिर खाने के बाद अपने रूम में चली आती है, और फिर उसे मारवी बहुत याद आ रही थी। तो वो मारवी के फ़ोन पे फ़ोन नहीं करती क्योंकि उसकी मॉम ने लिया होता, वो शेरिस के फ़ोन पे करती है। तो शेरिस उठाती है तो कहती है कि यार मारवी कहाँ है, तो शेरिस कहती है कि पास ही है। तो फिर कहती है कि मारवी को फ़ोन दो ना, तो फिर मारवी से बात करती है वो, तो वो पूछती कि खाना खाया तुमने, तो मारवी कहती है नहीं मैंने नहीं खाया ना मुझे भूख लगी है। तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और कहती है वीडियो कॉल करो मेरे सामने खाओ, मैंने तुम्हें देखना है। तो उसके बाद वो शेरिस का फ़ोन लेती है और उससे वीडियो कॉल करती है और वो देखती है। तो मारवी उसके सामने खाती है, तो उसके खाने के बाद मैं मारवी के साथ काफ़ी फ़नी फ़नी बातें कर रही होती है ताकि मारवी का मूड अच्छा कर सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो इसलिए वो फ़नी फ़नी बातें करती है। तो मारवी का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और फिर खुश हो जाती है मारवी, और मतलब बहुत ज़्यादा बेफिक्र होती है। और एक तो मतलब मैं उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ये तारीफ़ करती है यार, सबको अपनी तारीफ़ पसंद होती है, तो उसका मूड ठीक हो जाता है। तो फिर ऐसे ही बातें करते करते फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते सो जाते हैं, और फिर शेरिस का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है, तो उनकी कॉल बंद हो जाती है। तो शेरिस और सब मतलब सुबह उठता है महक, तो महक उठती है सुबह तो मैसेज करती है, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, तो स्विच ऑफ मतलब कॉल करती है तो स्विच ऑफ पिक हो रहा होता है, तो वॉइस मेल कर देती है ताकि जब उठे तो बात करा दे। तो उसके बाद क्या होता है कि महक करण को फ़ोन करती है और करण को बुलाती है अपने रूम में, तो बोलती कि करण तुमने उस औरत के मतलब तुमने उस लड़की का एड्रेस पता किया। तो करण बोलते कि हाँ मैम मैंने पता कर लिया था, और आप टेंशन मत लें, क्या चाहिए मतलब क्या करना है आ गया। तो मैं कहती कि देखो एड्रेस पता कर लिया तो फिर उससे बोल दो कि हम उससे मिलना चाहते हैं, हमें उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो करण बोलते कि मैम आप क्यों जाएंगी, मैं ऐसा करता हूँ मैं उसे यहाँ पे ला देता हूँ। तो मैं कहती कि वो आएगी, तो करण कहते कि आ कैसे नहीं आएगी, प्यार से नहीं आएगी तो ज़बरदस्ती आएगी। तो मैं कहते नहीं करण वो लड़की है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो करण कहते नहीं मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मैम। तो मैं कहती कि देखो तुम फ़ोन करके बोल दो कि हमें उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे ना, एक खरोच आएगी उससे, बस उस बहुत इज्जत से उससे बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे बहुत प्यार और इज्जत से बात करेंगे। तो उसे इतना बोल देना कि वो आके हमसे मिल ले या फिर तुम खुद जाओ उसे लेके आओ। तो बोल रही होती अभी किस लड़की की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वो
करने के लिए, ठीक है मैम मैं उसे ला दूंगा। और तो मैं कहती हूँ देखो बहुत ही जोर से लाना, लड़की है वो, थोड़ी सी भी घबराने से ठीक है, कंफर्टेबल कर लें या फिर स्टॉप से कोई लड़की ले लेना ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो। तो करण कहते हैं ठीक है मैम मैं ले लूँगा। उसके बाद वो चला जाता है उसको लेने। तो फिर महक फ्रेश होती है और नीचे आती है, तो नाश्ता कर रहे होते हैं, तो एक घंटा बीत जाता है। तो फिर नाश्ता कर रहे होते हैं तो तभी मतलब कि महक कहती है कि मोम कोई आने वाला है आज। तो महक की मोम कहती है कि कौन आने वाला है बच्चे। तो मैं कहती हूँ कि वो मुझे वो आ रही है पीछे देखो, तो उसका नाम हीरा होता है, तो वो आ रही होती है। तो मतलब कि वो आती होती है, तो महक की मम कहती है ये कौन है बेटा, तो हमें तो इसे नहीं पहचाना। तो महक कहती है कि मम थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो वो आती है अंदर और महक कहती है कि बैठो हीरा नाश्ता करो। तो हीरा कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, आप बताएं मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे आपने। तो मैं कहती कि पहले नाश्ता करो, ऐसे नहीं कहते पहले नाश्ता कर लो, सब बैठ के करे तुम ही कर लो। तो वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं करना। तो महक गुस्से से घूरती है, तो बेचारी बैठ जाती है। तो महक की मम कहती है बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, नाश्ता करो ना, मतलब खाने को मना नहीं करते हैं बच्चे। तो फिर उसके प्लेट में निकालते हैं, तो फिर नाश्ता करती है। उसके बाद सब हॉल में बैठ जाते हैं। तो वो बोलती कि मैं एक विस्तरो आपने मुझे क्यों बुलाया एक आम सी लड़की को, मुझसे भला क्या काम हो गया आपका, मतलब मैं कब किसकी के काम आने लगी। तो मैं कहती है कि देखो मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, और तुम कोई आम सी लड़की नहीं हो यार, सब अपने में खास होते हैं, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। तो वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती और मैं पूछती है कि तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि आदिल तुम्हारा क्या लगता है। तो वो इमोशनल हो जाती है और कहती है आदिल मेरा कुछ भी नहीं लगता है और ना मुझे उसके बारे में कोई बात करनी है। तो मैं कहती हूँ देखो हीरा तुम्हारे सच बताने से किसी की लाइफ बच सकती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीठ पीछे क्या चल रहा है। तो हीरा कहती है कि क्या मतलब। तो मैं कहती है देखो वो एक किसी लड़की को फंसा रहा है, और अगर तुमने सच बोल दिया ना तो फिर उस लड़की की ज़िंदगी बच सकती है। तो वो इमोशनल हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है महक मैं सब बताती हूँ, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हो वो किसी और के साथ हो। तो मैं कहती हूँ हाँ प्लीज़ बताओ मुझे भी सुनना है। तो वो कहती है कि आदिल ने मुझसे 4 साल पहले शादी की थी, वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहता था, कहता था कि मैं तुमसे हीरा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बहुत कुछ बोलता था। और फिर मैंने उसकी बातों में आके उससे शादी कर ली। तो शादी के 2 साल बाद मुझे पता चला कि वो तो हर लड़की के साथ यही करता है, उसको तो यही काम ही है। इतना बोल के वो चुप हो जाती है और मतलब उसकी आंखों में आंसू होता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो मतलब कि हीरा बताती है कि आदिल ऐसे ही करता है, लड़कियों को जब उसकी सच्चाई किसी को पता चल जाता है तो उसने पता नहीं कितनी शादियाँ की होंगी, जब लड़कियों को उसकी सच्चाई पता चल जाता है तो उन्हें ब्लैकमेल करता है। और जब मुझे पता चल गया था तो मैंने जब उस पर गुस्सा किया, मैंने ये सब मना किया करने का, तो वो मुझे रोज़ मारता था, बहुत ज़्यादा मारता था वो, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, बहुत मुश्किल से छोड़ा। तो जो बच्चा था, तो महक कहती है जो जिस बच्चे को महक ने किडनैप करवाया था, मतलब अपने पास रखा था, तो कहती है वो तुम्हारा और आदिल का बच्चा है ना आरव। तो हीरा कहती है हाँ आरव हमारे बच्चे, और आदिल उसे छीनना चाहता है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसे दूँ उस वो नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो आदिल जैसा बने, बट मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैं कहती कि हीरो तुम क्या करती हो। तो हीरा कहती कि मैं कहाँ कुछ करती हूँ, मैं कभी इधर कभी उधर, मुझे थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ, आदिल आदिल के खाने भर का तो मतलब आरव के पेट भरने का तो काम कर ही लेती हूँ। तो मैं कहती कि तुम अब टेंशन मतलब तुम्हारी सारी टेंशन मैं ख़त्म कर दूँगी, तुमने पढ़ाई की है ना कितने किया। तो वो अपनी मतलब कि क्वालिफिकेशन बताती है। तो मैं कहती कि टेंशन मतलब तुम मेरे ऑफिस में कल से आ जाना, और तुम्हें आरव की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरी बहन जैसे हो, तुम टेंशन मतलब तुमने ना सच बोल के ना बहुत अच्छा काम किया, मुझे ऐसे ही लोग पसंद है, और तुम बेफिक्र रहो ठीक है, अगर तुम्हें घर का मसला हुआ तो हमारे ऑफिस के मतलब हमारे ऑफिस की तरफ से घर भी दिया जाता है, तो तुम वो घर भी ले सकती हो ठीक है, अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आरव सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसे बड़े होने दो बस। तो हीरा कहती है आप सच बोल रहे हो ना, मतलब कि मैंने सच बोला आप इसलिए ऐसा तो नहीं बोल रहे हो। तो मैं कहती है बेफिक्र रहो, मैं महक विस्तर हूँ, मेरी ज़ुबान कभी गलत नहीं होती है, तुम बेफिक्र रहो ठीक है।
तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मैं ख़त्म कर दूँगी। और रही बात आदिल कस्टडी की आदिल को ले गया आरव, तो फिक्र ना करो, हमारे पास अच्छे से अच्छे वकील हैं, तो आदिल आरव की परछाई को भी अपने साथ नहीं रख सकता। आरव की तो दूर की बात है, और वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी अच्छे से परवरिश करना। और मैं तुम्हारी बहन जैसे हूँ, मुझे अपनी बहन ही समझ रहा हूँ तुम। तो मैं कहती कि देखा ममाजल किस किस्म का आदमी है, तो इसने इसके साथ कितना ज़्यादा गलत किया। तो मैं कि मोम हीरा के सर पे हाथ रखते हुए कहती कि बेटा तुम टेंशन मत लो, आदिल बहुत ही ख़राब और गंदे किस्म का आदमी है। मतलब कि अगर हमारी मारवी फूल से बच्ची के साथ, अगर महक सच में अगर तुम ना होती ना, तो हमारी फूल से बच्ची के साथ ये दरिंदा पता नहीं क्या करता। तो मैं कहती हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, महक के साथ शादी क्या मॉम, मैं तो महक की परछाई भी उसे छूने ना दूँ। मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ ना, मेरी महक को एक खरोच भी नहीं आ सकती। तो महक की मॉम खुश होते हुए कहती है हाँ बेटा मुझे पता है। तो मैं कहती ठीक है हीरा, तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक तुम बोल सकती हो, ठीक है। अभी तुम घर जाओ और आरव का ख्याल रखना, कुछ भी हो जाए तो ये मेरा कार्ड रखो और नंबर, उसके बाद हम सब ठीक है शॉर्ट आउट कर लेंगे, तो तुम बेफिक्र रहो। तो हीरा थैंक यू बोलती और खुश होती, कहती कि तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चे के लिए। तो मैं कहती हूँ रिलैक्स रहो और बेफिक्र रहो, अब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सादिल को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने से पहले हज़ार बार सोचेगा। तो यार यहाँ तक तो कहानी काफ़ी अच्छी जा रही है, तो यार ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल पोस्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल आएगा। तो यार वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज आप मिस ना कर सको। तो स्टोरी तो आती रहेगी, और ये मैंने 30 मिनट का नहीं डाला है, और ऐसे ही नहीं डाला, बस नहीं हो रहा है मुझसे 30 मिनट का, बट डिवाइस का तो डाला है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं कल कर दूँगी पोस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।